भूत हाथ जोड़ के बोले हो गई गलती महाराज, और पेड़ों की क्या कीमत है हमें पता पड़ी है आज। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं अमित निरंजन फिर एक बार अपनी नई कविता लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की कविता भूत पे आधारित है, तो सुनते हैं कविता भूत। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाल रंग का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कविता कैसी लग रही है। शमशान के भूतों ने कर डाली हड़ताल, के इतनी लाशें कहां से आती हो इसकी पड़ताल। पेड़ भी काट लिए सब तुमने जाके कहां पे लटके, जिंदा थे तो थी मुश्किल अब मुर्दा बन के भटके। शमशान के राजा आकर करो यहां ने आए, कैसे हल हो संकट भारी करो कोई उपाय। तो अब भूतों ने अपने राजा भूतराज को बुलाया, बोले भूतराज महाराज इधर आके हमारा उपाय करो, बड़ा संकट हो गया है, इतनी लाशें शमशान में आ रही हैं कि पेड़ों पे लटकने को जगह नहीं बची, आदमी इतना पापी कर रहा है कि सब भूत बन रहे हैं। आए राजा करने न्याय, सारे भूत पास में आए। राजा बोले क्या बात है क्यों करते हो शोर, क्या शमशान में आया है कोई डाकू चोर। बोले भूत के मालिक समझो भूतों की तुम पीड़ा, इंसान मर रहे धड़ाधड़ आया कोई कीड़ा। और बची नहीं है जगह पेड़ पे कहां पे जाके लटके, राजा जी के राज में दर दर ये भूत भटके। भूतों की बात सुन के भूतराज को सारी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए वो भूतों को क्या समझाते हैं, आनंद लीजिए। बोला भूतराज के भूतों सब है अपनी करनी, और गलती करी जो जीते जी अब पड़ेगी उसको भरनी। जीते जी अगर पेड़ लगाता तो ना ऐसा होता, भात भात के पेड़ पे तू लटक लटक के सोता। भूत हाथ जोड़ के बोले हो गई गलती महाराज, और पेड़ों की क्या कीमत है हमें पता पड़ी है आज। मिला कभी जो जीवन फिर से पेड़ ही पेड़ लगाएंगे। अब भूत कह रहे भूतराज से कि मिला कभी जो जीवन फिर से पेड़ ही पेड़ लगाएंगे, और गलती से अगर भूत बने फिर लटक लटक सो जाएंगे। अगर गलती से भूत बने फिर लटक लटक सो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हमें ऑक्सीजन की, पेड़ों की कितनी कीमत है सब पता चल रहा है। कविता के माध्यम से मैंने सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश की है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पेड़ लगाइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।